मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंचेगा। कौन सी है वो टॉप एक्शन फिल्म स्टारिंग बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की? क्या है उनकी स्टोरी लाइन? अपकमिंग प्रोजेक्ट भोला को लेकर क्या है अजय का पर्सपेक्टिव? हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। जहां बात एक्शन थ्रिलर फिल्म्स की हुई है, उधर बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन का नाम जरूर उठा है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, एक्शन थ्रिलर जॉनरे में अजय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो इतना रहा है, तो अजय के इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हुए बताएंगे उन बेस्ट एक्शन फिल्म्स के बारे में जिसमें अजय ने अपना जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो पहली फिल्म है साल 1996 में रिलीज हुई फुल ब्लोन मसाला मूवी दिल जले, जिसमें अजय देवगन ने इंसाफ की लड़ाई लड़ते एक बैड बॉय या बोले तो एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया है। इस फिल्म में अजय ने काफी रियलिस्टिक एक्शन सीन्स परफॉर्म किए थे जिसके चलते ये फिल्म काफी हिट हुई थी। दूसरी फिल्म है साल 2003 में रिलीज हुई जमीन, जो कि एक आर्मी बेस्ड मूवी थी। इस फिल्म में अजय ने एक टफ आर्मी मैन का किरदार निभाया था और काफी जबरदस्त कार स्टंट्स भी परफॉर्म किए थे। इस फिल्म के पावरफुल स्टंट्स और एक्शन सीन्स को ऑडियंस का खूब प्यार देखने को मिला था और ये फिल्म फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हुई थी। दोस्तों तीसरी फिल्म है साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म खाकी, जिसने अजय को एक सीरियस एक्टर का टाइटल हासिल करवाया था। इस फिल्म में अजय ने एक बैड बॉय का किरदार निभाया जिसमें उन्होंने एक खतरनाक गैंग लीडर के तौर पर एक्ट किया था। इस फिल्म में काफी गन फाइट्स, कार चेजेस और एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई दिए थे जिसके चलते ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग साबित हुई थी। एक्शन बेस्ड फिल्म्स के मामले में ये फिल्म अजय के करियर का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुई थी। नेक्स्ट बेस्ड एक्शन फिल्म थी साल 2011 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सिंघम, जिसमें अजय ने एक सुपर कॉप का किरदार निभाया था, जिसमें इंसाफ के लिए उनको बैड बॉय से लड़ता हुआ देखा गया था। ये फिल्म ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बो थी और काफी हिट भी हुई थी। दोस्तों अब अपकमिंग प्रोजेक्ट भोला को लेकर बात की जाए अजय के पर्सपेक्टिव की, तो एक इंटरव्यू के बीच अजय ने कन्फेस किया था कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि एक एक्टर होने के साथ साथ उनके ऊपर इस फिल्म के डायरेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एड ऑन करते हुए अजय ने कन्फेस किया कि उनकी एक्साइटमेंट का दूसरा रीजन है तब्बू, जो कि उनके बचपन की दोस्त है और एक बार फिर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए अजय काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों अब इसी चटपटी अपडेट के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है सुहानी।